हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चल, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, कौन सा हेयर स्टाइल बन गया है गाइस, मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बताओ यार। मैंने टकली करवाई थी, मेरे बाल झड़ रहे थे इसलिए, लेकिन अभी ये बढ़ने को नहीं हो रहे। 4 महीने हो गए, सिर्फ इतने बड़े ही हो पाए, ना तो कोई हेयर स्टाइल हो पाता है इसमें, ना तो कुछ हो पाता है। तुम्हारा भाई एकदम क्या ही बताऊँ, क्या लगता है अब। सो गाइस, मेरी बीवी घर पे वापस आ गई है, तो नीचे कमेंट में लिख देना बधाई हो, बधाई हो। और बुल्लू इधर आ, तुझे मिलवाता हूँ किसी से। और मौसम आज एकदम बढ़िया हो रहा है, एकदम सुनहरा। और ये बेचारी देखो, घर से चूल्हा उठा के लाई है, क्योंकि हमारा चूल्हा थोड़ा सा दिक्कत दे गया था, तो ये घर से देखो। सो गाइस, मेरा कार्टून नेटवर्क इज कमिंग। सो बहुत दिन बहुत दुखद बीते हैं मेरे, सिर्फ मैं और मेरा दिल महसूस कर सकता है, और मेरी फैमिली दिल धड़कवाना बंद करेगी क्या। सो गाइस, आप लोग बताओ मैंने इसको कितना मिस किया है। इसने तो मुझे कतई मिस नहीं किया है, ये तो एज यूजुअल, क्योंकि ये मथुरा वृंदावन घूमती रही है, कहीं घूम रही है फैमिली के साथ, कहीं घूम रही है, कहीं। सो गाइस, ये टी शर्ट देखो, ये मेरे लिए लाई थी, ये अपने लिए, किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये हमारी दुकान के कपड़े हैं, तो ये कोई खरीद के नहीं लाई है, घर से भर लाई है बस, ऐसी फ्री हैंड में वहाँ भर के रखे हैं ना दुकान के कपड़े, जो मेरी पहले शॉप थी उसके। और बाकी कुछ कहना है तुझे, वेलकम होम। तुझे अच्छा ये बता, लोग कहते हैं कि बीवी घर से चली जाती है तो घर की हालत तहस नहस मिलती है, तुझे ऐसा कुछ फील हुआ? क्यों हंस रही है? मुझे घर में तहस नहस करने के लिए कुछ मिला ही नहीं। सो गाइस, हमारी बीवी का नया ड्रेस देख लो। अब आपको इसके पीछे का राज बताता हूँ। ये मेरी शॉप, जो मैंने गारमेंट शॉप खोली थी उसकी है, ये घर गई थी अभी, वहाँ से लेके आई है। और मैंने जो शॉप खोली थी वो जेंट्स की थी, मतलब 18 साल से लेके 27-28 साल के लड़कों की, अपनी एज ग्रुप वालों की लिए खोली थी। उसमें से भी ये अपने लिए ये ढूंढ के ले आई। अब मैं भी अपनी चॉइस पर ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये लड़कों के मतलब से किस हिसाब से खरीदी थी, और वहाँ पर लड़के इसको खरीदते थे शिकाबाद में। सबसे बड़ी बात देखो कि लड़के इसको पसंद करते थे, उनकी डिमांड रहती थी कि भैया ऐसी चीज़ लाओ, ये लाओ, फोटोज आके दिखाते थे, तो मैं ये लाता था। और बताओ, ये बड़े चाव से खरीदते थे, पहनते थे। देख रही है शिकावत का ट्रेंड है क्यों बुल्लू है? बता, तू बताओ, देख रहे हो गाइस, आपको कैसी लग रही है ये शर्ट? आप लोग बताएं कमेंट्स में, अगर आपको भी चाहिए हो तो मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर दूंगा। गाइस देख लो कितना मेकअप चल रहा है अभी, काजल में भी इसके 3-4 लेयर्स लगते हैं, पता नहीं कौन सा, पलकों पे दूसरा, और पलकों पे दूसरा, और आंखों में दूसरा, आंखों के ऊपर अलग, आंखों के नीचे अलग, पता नहीं क्या क्या रहता है इनका। हमारी तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मुंह धुल लो, उसके बाद कोल्ड क्रीम लगा लो सर्दियाँ हैं तो, गर्मियाँ हैं तो फिर हैंडसम लगा लो बस। बहुत कढ़ाई वाला काम है, कारीगरी वाला, हाथ के अगर आप साफ नहीं हो तो आपके कारीगरी में दिक्कत हो सकती है। हाथ की सफाई बहुत ज़रूरी है इस काम में। मुझे तो डर लगता है कि मुझे अगर ये, मैंने अगर कभी ट्राई किया ना ये, अगर तो मेरी तो आँख ही फूट जाएगी, सीधा अंदर को सेड़ दूंगा मैं इसको। हो गया शायद, बाय 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 बाय। गाइस वो सामने देखो, आंटियाँ दो बैठी दिख रही है ना, वो तब से हमारे घर में ही देख रही हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कभी हम डांस कर रहे हैं, कभी कुछ, उनका ध्यान इधर ही है तब से। ये गई मेरी, वो खड़े हैं उधर सामने ही, वो चला जाता हूँ। मौसम आज के गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, एकदम सुहाना, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं है आज बिल्कुल भी, एकदम गरम गरम मौसम है। और वो रही बुल्लू, वो खड़ी है। सो गाइस, हमारी इवनिंग की चाय बन रही है, और अभी अभी नेहा ऑफिस से आई है, तो भाई वो हाथ मुंह धुल रही है अपना। सो गाइस, अभी हम लोग जस्ट बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, ये ऑफिस से आई थी तो चाय वाय बनाई, फिर चाय वाय पी रहे थे बढ़िया आराम से। तो हम ऐसे ही मतलब बैठे बैठे डिस्कशन हो गया दोनों के बीच में कि क्या इंसान चेहरा पढ़ सकता है क्या अपनी बीवी का,
या फिर बीवी अपने पति का चेहरा पढ़ के बता सकती है कि मतलब क्या चल रहा है दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये मेरा चेहरा पढ़ेगी, मैं इसका चेहरा पढ़ूंगा, फिर हम दोनों लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब बताएंगे कि क्या बात कौन सोच रहा है। अब तू चल मेरा चेहरा पढ़ ले। क्यों अब बता बता, कुछ उल्टा सीधा मत बताइए, देख वीडियो बन रही है तो वीडियो बन जाने दियो, बता। बेइज्जती कर रही है, इतना बुरा तो चेहरा नहीं है मेरा, बता बता। मुझे क्या पता तेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जो तू खुद में खुद ही सोचे जा रहा है कि पता नहीं क्या क्या। ये तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया इसने। अब तो वो पढ़ने तुझे, तेरे दिमाग में लेके फैमिलीज को लेके कुछ बात चल रही है। बता बेटा, ये बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, तजुर्बा है जिंदगी का, तुम बच्चे को कभी नहीं समझ पाओगे ये कहानियां। गाइस हंस रही है मेरे पे, आप बताओ, मैंने सही पकड़ ली इसकी नब्ज पकड़ ली, आप बता। सो गाइज, आज हमारे घर में हमारी मोहतरमा जी ने बनवाए हैं कड़ी चावल, क्योंकि इसके फेवरेट हैं, मुझे भी ठीक लगते हैं कड़ी, मैं चावल के साथ खा सकता हूँ, मैं रोटी के साथ नहीं खा सकता गाइज। और इसको देखो, कंबल वहाँ से आ रहा है यूं और यूं करके ओढ़े है, वाह। और मेरे को प्याज भाई चावल के साथ चाहिए चाहिए, चाहे कोई भी हो, दाल चावल हो चाहे कुछ भी हो, कड़ी ये नहीं खा रही प्याज चावल के साथ, मतलब कड़ी के साथ नहीं खा रही, वैसे दाल चावल के साथ खाती है, लेकिन मैं खाऊंगा। सो गाइज, आप लोगों को कड़ी चावल कैसे लगते हैं कमेंट में बता देना। हमारी दीदी इतनी ज़्यादा कड़ी बना के चली गई है ना, ऐसा लग रहा है पूरी दावत करनी है हमें, अभी इतनी ज़्यादा कड़ी निकाल दी, उसके बाद भी अभी आधी से ज़्यादा कढ़ाई भरी हुई है। सो गाइज, चलो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आज एक मूवी मैंने प्लान की है साथ में देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको, मतलब नाम मैं भूल गया, पर मैंने यूट्यूब पर सर्च करके वो, और रीसेंट उसमें यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना तो सर्च लिस्ट में आ जाती है, तो वैसा वो है, उसमें नाम मुझे नहीं पता, हाँ मुझे हीरो पता है, ओए रितेश देशमुख और उसकी वाइफ का नाम क्या है, जेनेलिया, हाँ रितेश देशमुख और जेनेलिया की मूवी है, वो पुरानी मूवी है शायद या नई है मुझे नहीं पता, पर यूट्यूब पे है, मैंने उसका स्टेटस इंस्टाग्राम पे देखा था, मतलब रील, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं वो वीडियो देख अभी मूवी देखेंगे हम लोग खाना खाने के बाद, तो अभी खाना खाते हैं और ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि मूवी देखेंगे फिर सो जाएंगे देखने के बाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बता देना कड़ी चावल किस किस को पसंद है, ठीक है, बाय बाय, लव यू।